देखिए, कोरोना काल ने ना एक चीज लाइफ में सिखा दी है, फैमिली की इंपॉर्टेंस। क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कोई अगर साथ देता है ना, तो वो परिवार जन होते हैं। अब ये खून का रिश्ता भी हो सकता है, दिल का रिश्ता भी हो सकता है। बहरहाल, हमारे जो कृष्णा कॉल हैं वो पहुंच गए हैं गोवा, भैया शूटिंग के चलते, और उनके साथ उनकी मॉम भी गई हैं। ऐसे में गोवा में वो डिजिटली सैवी तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मॉम को, लेकिन साथ ही एक दिन कैसे बिता रहे हैं उनके साथ वो भी दिखा रहे हैं। कुमकुम भाग्य के रणवीर को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज SBS Originals आपको रणवीर से नहीं बल्कि कृष्णा कॉल से मिलवाएगा, और कृष्णा के साथ होंगी उनकी एक बेहद खास गेस्ट। दरअसल कृष्णा शूट के बाद अपनी डिजिटल दुनिया में जाकर अपनी गेस्ट के साथ एक पूरा दिन बिताना चाहते थे, और अपने खास पलों को अपने फैंस के लिए, अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के लिए कैद करना चाहते थे। और तभी SBS Originals मेट कृष्णा, और उसके बाद हम भी उनके साथ हो गए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा, आप सबका अपना रणवीर कोहली फ्रॉम कुमकुम भाग्य। और आज आप और मैं, हम सब यहाँ पर हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अक्सर लोग आते हैं सेलिब्रेट करने, अक्सर लोग आते हैं अपनी छुट्टियों पे, लेकिन आज हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। वी आर ऑन अ वेकेशन एंड वी आर वर्किंग। आई लाइक टू कॉल इट वर्केशन। सो आज हम आपको घुमाएंगे अपने साथ एक दिन। सो गाइज, आज मैं आपको एक बहुत स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाला हूँ। वो ऐसे इंसान है जिनके लाइफ में मैं 23 साल पहले गेस्ट बना था। तो मैं आपको मिलाने वाला हूँ नन अदर देन माय मदर वीना कॉल से। कृष्णा और उनकी मॉम से मिलने के बाद अब वक्त था शॉपिंग का, और शॉपिंग के बीच में अपने इंस्टाग्राम के लिए ढेर सारे बूमरैंग्स और मस्ती भरे पिक्चर्स लेने का। और कृष्णा ने मॉल में भी अपनी मस्ती नहीं छोड़ी। बहुत कोशिश करी है हमें बहुत टाइम के बाद इतना मज़ा आया। थैंक यू गाइस हमें बाहर लेके आने के लिए, और हमने काफ़ी कुछ शॉपिंग भी करी है। अब लेट्स सी, जो हम लेने आए थे वो बस उसको छोड़ के हमें सब मिल गया है। अब लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं। अब आपको वापस घर जाना है, बीच जाना है, आप गोवा में हैं, आपको जो मर्जी आप बताइए, हम वही करेंगे। बीच चाहे जाना है आपको, रनिंग भी तो करनी है। ये होती है माँ, जो फिटनेस के लिए बच्चों के हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहती है। वेरी गुड, सारी माएँ प्लीज सीख लीजिए ये, और चलें, मजा आया अंदर। हाँ जी, आई हैड फन। हाँ जी, चलो लेट्स गो एंड सी यू गाइस समवेयर। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं प्यार की कश्ती में, मैं और मेरी मम्मी। अब मैं मम्मी से ही पूछ रहा हूँ, समुद्र में कहाँ लेके जाऊँ आपको इतनी बड़ी बोट में? अगर आप लोगों को सजेशन है तो बताइए। कभी पापा के साथ करा ऐसे रोमांटिक जगह पे गए हो कभी? पापा के साथ भी मैंने खूब एंजॉय किया इस तरह से। गाइज, मुझे तो एक ही गाना याद आ रहा है, वो गाना है प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, गगन के शोर शोर में, चले हम जोर जोर से पवन से दूर। ला 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 ला।
अरे ध्यान से कृष्णा, बोट के नीचे बहुत पानी है, कहीं आप गिर ना जाएं। आपके टॉप के कलर की फ्रिस्बी है मेरे पास, ठीक है, ये रही। और अब आपको मेरे को खेलना पड़ेगा, लेट्स सी कौन जीतेगा कौन हारेगा। लग रहा है इन फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट आई एम टेलिंग यू कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि कितना ये जो समंदर इतना डीप है, इतना विशाल है, लेकिन कितना वो रश में आ रहे हैं ना गिरने, लेकिन किनारे तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, वो शांत हो जाती है। इसी तरह ये ना जिंदगी को एक कुछ एक लेसन देता है कि बिल्कुल इंसानों की तरह कि चाहे आदमी किनारा मिल जाता है तो शांत हो जाता है इंसान। और की जो आपकी जिंदगी है जिसमें आप स्कूल जाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, भागा दौड़ी करते हो, पापा के लिए खाना बनाते हो, दादी के लिए खाना बनाते हो, नानी के लिए खाना बनाते हो, पूरा दिन घर में साफ सफाई करते हो, एक वैसा दिन वर्सेस एक ऐसा दिन जिसमें कुछ नहीं करना है, बस घूमना है, फिरना है, थोड़ा सा चिल करना है, उसमें क्या कंपैरिजन है, क्या मेन डिफरेंस है, क्या मेन चीज आपको लगती है? दोनों चीजों की अपनी अपनी अहमियत है, अहमियत तो दोनों चीजों की है। चलो आज ये मौका मिला तुम्हारे साथ मुझे घूमने का, तो आई एम फीलिंग गुड, एंजॉय कर रही हूँ। ओके, बट आई थिंक वी शुड रियली थैंक एबीपी न्यूज। बहुत 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 अलग लगा। मैंने अक्सर ऐसा वक्त बिताया है अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने अपने कलीग्स के साथ, सब किसी के साथ, बट कभी भी मम्मी के साथ ऐसा मौका मिला नहीं। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं ना, तो अक्सर हम लोग अपने माँ बाप से दूर ही भागते हैं, क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि ये समझेंगे नहीं, कभी ऐसा लगता है कि इनके मेरे ख्याल ही नहीं मिलते हैं, ये कुछ अलग चीज़ें चाहते हैं हमसे, पर हम लोग कुछ अलग चीज़ें चाहते हैं इस दुनिया से। तो हमेशा आधी ज़्यादा ज़िंदगी मेरी, जितनी भी छोटी ज़िंदगी है, उसमें भाग दौड़ में ही निकली है मम्मी से दूर। लेकिन आज पहली बार हमने ज़िंदगी हमारी मर्ज करके देखी, मेरे को पता चला कि अच्छा ये भी मम्मी ये भी कर सकती है, और ये अच्छा भी लगता है मम्मी को, और ये शायद अच्छा नहीं लगता है मम्मी को। सो इट वॉज अ गुड इंटरेक्शन, इट फेल्ट लाइक समथिंग विच आई शुड हैव डन मच बिफोर, बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था, बट आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड इट, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि जब तक मैं गोवा में हूँ मम्मी के साथ, तब तक हम सेफ डिस्टेंस बनाए रखें, हम सेफ रहें, हम कोविड से सुरक्षित रहें, और आप भी कोविड से सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए। हमने अभी मास्क यहाँ पे इसलिए उतारा है क्योंकि आसपास कोई है नहीं, तो आप सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, अपने हाथ और मुंह और पैर और जो धो सकते हैं सब धोइए। तो उम्मीद है कि SBS Originals का ये सूदिंग डे आउट आपको जरूर पसंद आया होगा, और यही तो खास बात है SBS की, क्योंकि सिर्फ यहाँ आप अपने कलाकारों की पर्सनल जिंदगी के वो पल देख सकते हैं जो शायद आप कभी नहीं देख पाते। गोवा से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।